क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के 5 कोर टूल्स होते हैं, एपीक्यूपी एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, पीपैक प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, एमएसए मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस, एसपीसी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल और एफएमईए फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों इस 5 कोर टूल्स में आज का जो हमने टॉपिक लिया हुआ है एपीक्यूपी यानी कि एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक टेक्निकल चैनल है। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। आज हम इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि एपीक्यूपी होता क्या है, एपीक्यूपी का हिस्ट्री क्या है और एपीक्यूपी स्कोप क्या होता है और एपीक्यूपी का फेजेस कौन कौन से होते हैं और एपीक्यूपी का अगर हम टाइमिंग प्लान बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे और लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एपीक्यूपी करने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी होता क्या है। देखिए एपीक्यूपी का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग। आइए इसको हम इजी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है यदि कोई बिजनेस सेटअप करती है तो एक टारगेट फिक्स करती है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक अपना प्लान बनाती है और अपने प्लान के अनुसार वह काम करती है और अपने टारगेट को अचीव कर लेती है। ठीक इसी तरह से आप समझिए कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई नया प्रोडक्ट बनता है या नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है तो उस डेवलप करने से पहले एक के प्लानिंग की जाती है और उस प्लान के अनुसार पूरे एक्टिविटी को की जाती है जिससे कि समय से उस प्रोडक्ट को डेवलप किया जा सके और अपने कस्टमर को हम डिलीवर कर सकें। इसी पूरे एक्टिविटी को हम एपीक्यूपी यानी एडवांस प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। दोस्तों एपीक्यूपी जो है स्पेशली ऑटोमोटिव सेक्टर में इसका यूज किया जाता है और आजकल तो हर इंडस्ट्री में एपीक्यूपी किया जाता है। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि एपीक्यूपी जो है वह पीडीसीए साइकिल पर कैसे काम करता है। देखिए पीडीसीए साइकिल क्या है। पीडीसीए साइकिल डॉक्टर डेमिंग के द्वारा डेवलप किया गया था जिसमें पी फॉर प्लान, डी फॉर डू, सी फॉर चेक, ए फॉर एक्ट यानी प्लान डू चेक एक्ट। डॉक्टर डेमिंग का मानना था कि कोई भी हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें प्लान करना चाहिए और उस प्लान के अनुसार हमें काम करना चाहिए और उसके बाद उस प्लान के अनुसार काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको हमें चेक करना चाहिए और लास्ट में अगर कोई वेरिएशन होता है तो उस पर हमें एक्शन लेकर के यानी कि एक्ट करना चाहिए। तो एपीक्यूपी जो है वह प्लान डू चेक एक्ट पे काम करता है। आइए हम बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एपीक्यूपी। देखिए एपीक्यूपी डेवलप किया गया था AIAG यानी ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज एक्शन ग्रुप के द्वारा 1980 ईस्वी में, जिसके 3 बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी इसके फाउंडर थे जो जनरल मोटर्स, फोर्ड और क्रिसलर थे जो 1980 में इन्होंने इसका फॉर्मेशन किया। बाद में जैपनीज कंपनी जो बड़ी बड़ी जैपनीज कंपनी थी जैसे कि टोयोटा हुआ, होंडा हुआ, निसान हुआ, वो इनके साथ जुड़ गए और आज के समय पूरे वर्ल्ड में एपीक्यूपी को लेकर के कोई भी पार्ट डेवलप किया जाता है तो सबसे पहले हम एपीक्यूपी करते हैं। एपीक्यूपी का जो पब्लिश हुआ था वो AIG के द्वारा फर्स्ट एडिशन जो है वह 1994 यानी कि 1994 में हुआ था और सेकेंड एडिशन जो है 2008 में हुआ था जिसे आज हम फॉलो कर रहे हैं। थर्ड एडिशन आने वाला है, जहां तक मेरा नॉलेज है अभी तक थर्ड एडिशन नहीं आया। आइए हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी कब करना चाहिए। देखिए जो मैंने देखा है कंपनी के अंदर कि जब भी कोई नया प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है उस समय हम एपीक्यूपी करते हैं यानी कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट के समय में एपीक्यूपी किया जाता है। इसके साथ साथ यदि कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें कोई मेजर डिजाइन चेंजेज हो रहा है या मेजर आपको प्रोसेस चेंज हो रहा है उस समय भी आप एपीक्यूपी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है अपना वो लोकेशन चेंज कर रही है तो उस समय भी आप एपीक्यूपी कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि एपीक्यूपी के फेज कितने होते हैं। देखिए एपीक्यूपी के टोटल 5 फेज होते हैं। कौन कौन होता है आइए हम देखते हैं। पहला है प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम, दूसरा है प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, तीसरा है प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ है प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड प्रोडक्शन फीडबैक एंड फिफ्थ है लॉन्च असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। दोस्तों आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं कि 5 फेज होता क्या है।
आइए अब हम बात करते हैं जो पहला फेज है प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। इसमें हम प्लान करते हैं और प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, एक सीएफटी टीम बनाते हैं, सीएफटी टीम क्रॉस फंक्शनल टीम को सीएफटी टीम करते हैं जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा काम करते हैं, और इस सीएफटी टीम में एक लीडर रहता है जो कि सबको लेके चलता है। ये भी प्लान बनाते हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वह किस तरह से क्वालिटी प्रोडक्ट बनेगा। कुल मिला के फेज वन में हम प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम का काम करते हैं। आइए दोस्तों हम बात करते हैं फेज टू यानी प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट वेरिफिकेशन में। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पूरी तरह से प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं और उसका हम वेरिफिकेशन करते हैं। कहने का मतलब है कि इस फेज में हम DFMEA करते हैं, डिजाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस करते हैं, DMA करते हैं, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली करते हैं, डिजाइन का वेरिफिकेशन करते हैं, डिजाइन का रिव्यू करते हैं और प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान बनाते हैं। देखिए कंट्रोल प्लान तीन तरह का होता है, प्रोटोटाइप कंट्रोल प्लान, प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान और प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान जो आगे हम देखेंगे। इसमें हम स्टार्टिंग का प्रोटोटाइप का कंट्रोल प्लान बनाते हैं और इसमें हम इंजीनियरिंग ड्राइंग भी बनाते हैं और उस ड्राइंग में जो स्पेसिफिकेशन होता है उसका हम डिज़ाइन करते हैं, मटेरियल का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होना चाहिए ये भी हम डिसाइड करते हैं, और उसके बाद यदि कोई नया टूल है या गेजेज है वो क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हम डिज़ाइन करते हैं। यानी कुल मिला के फेज टू में हम प्रोडक्ट डिज़ाइन और डेवलपमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। आइए हम बात करते हैं फेज तीन का। देखिए जिस तरह से हमारा प्रोडक्ट डिजाइन हो गया उसके बाद हम प्रोसेस का डिजाइन करेंगे, यानी कि हम उस प्रोडक्ट को किस तरह से प्रोसेस में ला करके हम बनाएंगे इसका हम पूरा डिजाइन करते हैं और उसका डेवलपमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। इसमें क्या क्या करते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाते हैं। प्रोसेस फ्लो डायग्राम का मतलब ये हुआ कि कौन सा प्रोसेस पहले होगा, कौन सा प्रोसेस बाद में होगा, उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लोर प्लान लेआउट यानी कि कौन सी मशीन कहाँ पे लगानी है, किस सीक्वेंस में लगानी है, इसका पूरा लेआउट हम तैयार करते हैं प्रोसेस का। इसमें हम PFMEA करते हैं, जिस तरह से उसमें हम DFMEA करते थे इसमें हम PFMEA करते हैं, प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस। दोस्तों PFMEA पे हम ऑलरेडी वीडियो मैंने बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं या फिर हमने आई बटन में दे रखा है उससे भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम इसमें कंट्रोल प्लान बनाते हैं, कंट्रोल प्लान प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान। पहले हमने प्रोटोटाइप का बनाया था, अब उससे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान बनाते हैं। प्री लॉन्च का मतलब होता है कि मास प्रोडक्शन के पहले जो कंट्रोल प्लान बनाया जाता है उसको हम प्री लॉन्च कंट्रोल प्लान कहते हैं। उसके बाद हम प्रोसेस इंस्ट्रक्शन बनाते हैं, यानी कि कौन सा प्रोसेस में वर्क इंस्ट्रक्शन कौन कौन सा लगेगा, SWS यानी स्टैंडर्ड वर्कशीट या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन जो भी है इसमें हम पूरी तरह से बना लेते हैं कि किस स्टेशन पर कौन सा इंस्ट्रक्शन लगाना है। उसके बाद हम मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस यानी MSA का प्लान बनाते हैं, और हम कि कौन सा डायमेंशन का, किस इक्विपमेंट का, कौन अप्रेजर क्या क्या करेगा, उसका MSA कैसे होगा, इसका हम पूरा प्लान बनाते हैं। इसके साथ साथ हम प्रोसेस कैपेबिलिटी प्लान भी बनाते हैं कि कौन सा प्रोसेस का, कौन सा डायमेंशन का हमें SPC करना है यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी करना है, और इसके साथ साथ हमने प्रोडक्ट का पैकेजिंग स्टैंडर्ड भी हम डिसाइड करते हैं। तो कुल मिलाकर के फेज तीन में हम प्रोसेस का डिजाइन और डेवलपमेंट वेरिफिकेशन करते हैं। दोस्तों आइए हम बात करते हैं कि फोर्थ फेज में क्या करते हैं। देखिए प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड फीडबैक लेते हैं, यानी कि जो हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया, प्रोसेस का डिज़ाइन किया उसको हम वैलिडेट करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन करके ट्रायल करते हैं कि जो हमने डिज़ाइन किया है चाहे वो प्रोडक्ट का डिज़ाइन हो या प्रोसेस का डिज़ाइन हो वो एक्चुअल में हम वैलिडेट करते हैं कि उसके अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें हम प्रोडक्शन करके देखते हैं कि हमारा एज पर प्लान सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कम से कम आपको यहाँ ध्यान देना है कि कम से कम 300 कंटिन्यूस प्रोडक्शन करके इसमें देखा जाता है। इसी में हम MSA करते हैं, इसमें हम प्रैक्टिकली MSA करके देखते हैं कि हमारा मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस जो है वो सही है कि नहीं है। इसके साथ साथ फेज फोर में हम SPC भी करते हैं यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडीज करते हैं, जिसमें हम CP और CPK का वैल्यू निकालते हैं और हम देखने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है वह कैपेबल है कि नहीं, एज पर प्लान के अनुसार है कि नहीं। और इसी फेज में हम PPAP का डॉक्यूमेंट भी हम
कलेक्ट करते हैं, यानी कि पीपेप हम का काम करते हैं, प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस। क्योंकि जब हम मास प्रोडक्शन करने जाते हैं, जब हम अपने कस्टमर को हम पार्ट देते हैं, तो वह पीपेप डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो इसी फोर्थ पेज में हम पीपेप का भी तैयारी कर लेते हैं। प्रोडक्शन वैलिडेशन भी करते हैं। प्रोडक्शन वैलिडेशन क्या होता है, यानी कि हम एक शिफ्ट में कितना प्रोडक्शन हो सकता है यह भी हम देखते हैं, यानी ट्रैक टाइम देखते हैं और साइकिल टाइम देखते हैं कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितना समय लग रहा है। और लास्ट में हम प्रोडक्शन प्लान, जब हमारा सब सही हो जाता है, तो प्रोडक्शन कंट्रोल प्लान बनाते हैं, यानी कि मास प्रोडक्शन के लिए फाइनली हम कंट्रोल प्लान बना देते हैं। तो दोस्तों, ये रहा आपका फेज 4, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन एंड फीडबैक। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं 5 फेज का। जो फेज 5th है वह है फीडबैक असेसमेंट, करेक्टिव एक्शन एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। यानी कि जब हम हैंडओवर जब हम कर देते हैं, तो उसके बाद जब हम देखते हैं कि फीडबैक लेते हैं अपने कस्टमर से कि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है या नहीं है, यदि उसमें कोई सजेशन होता है, यदि कोई डायमेंशन में वेरिएशन होता है, तो उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। और हमें डिलीवरी कैसे करना है, सर्विस कैसे देना है, पूरा चीज़ जो है हम फीडबैक लेते हैं अपने कस्टमर से। और उसके बाद ड्राइंग का जो है, ड्राइंग का फाइनल डिसीजन दे हम मास प्रोडक्शन करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह APQP का 5 फेज है जो हम मैंने आपको समझाया। आशा करता हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अभी तक हमने समझाया कि APQP होता क्या है, APQP का फेजेस क्या होते हैं, यह सब चीज़ डिटेल हमने समझ लिया। अब बात मेन ये है कि APQP का हम प्लान बनाएंगे कैसे। देखिए, हमने तो सब चीज़ समझ लिया, लेकिन अगर प्लान ही अगर सही ढंग से नहीं बनेगा, तो उस प्लान के अनुसार काम कैसे होगा। तो अब हम बताने जा रहे हैं कि APQP का जो टाइमिंग प्लान, वह किस तरह से बनाया जाता है। देखिए, टाइमिंग प्लान को आप APQP टाइमिंग प्लान कहिए या डेवलपमेंट शेड्यूल कहिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने बनाया, सबसे हेडिंग ऊपर में डाला है APQP टाइमिंग प्लान या डेवलपमेंट शेड्यूल, दोनों एक ही बात होती है। यहाँ पे देखिए, कंपनी का नाम डालिए, मैंने आपको समझाने के लिए ABCD डाला है, आप अपने कंपनी का नाम डाल दीजिए। पार्ट्स का डिटेल डालिए, यानी पार्ट का नाम क्या है, पार्ट का नंबर क्या है, कस्टमर कौन है, पूरा ऊपर में डिटेल डाल दीजिए। और यहाँ पे कॉलम में डालिए, जो 5 पेज हमने बताया, उस 5 फेज का इसमें डाल सकते हैं। और उसके अनुसार जो जो एक्टिविटी है, पहले एक्टिविटी लिखिए, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखिए, और उसका कब प्लान बनेगा और कब कम्प्लीट होगा, वो सब चीज इसमें डालते हैं। यानी प्लान बना करके उस प्लान के अनुसार कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, इसमें अपडेट आपको करते रहना है। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि APQP के बेनिफिट क्या होता है। देखिए, APQP के अनुसार अगर कोई पार्ट डेवलप होता है ना, तो आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले कि आपका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो हायर क्वालिटी का होगा, क्योंकि आपने पूरा प्लान के अनुसार काम किया है। और इसमें जो है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट को, उसके नीड को, उसके एक्सपेक्टेशन को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, और उसके बाद कस्टमर का सेटिस्फाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टाइम जो है, अगर APQP के अनुसार डेवलपमेंट होता है अगर कोई पार्ट, तो आपका टाइम सेविंग होगा, और कोई भी प्रोडक्ट जो है टाइम पर हम सप्लाई कर सकते हैं। और इसी में डेवलपमेंट के करते ही समय हमें पता चल जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट में कौन सा डायमेंशन का वेरिएशन हो रहा है, उसको पहले ही हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसके साथ साथ यदि प्रोसेस में कोई चेंजेज होता है, तो आप उसको आइडेंटिफाई करके पहले ही करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं। फाइनली अगर हम बात करें कि APQP का बेनिफिट क्या है, तो फाइनली हम क्वालिटी प्रोडक्ट टाइम के साथ लोएस्ट कॉस्ट पर अपने कस्टमर को हम डिलीवर कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है APQP का। तो दोस्तों, यह एक छोटा सा वीडियो रहा APQP के बारे में। मैंने इसमें कोशिश यही किया कि जो भी APQP में एक्टिविटी की जाती है, मैं इजी भाषा में आपको समझा सकूं। कहां तक मैं कामयाब हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।